किसकी बायोपिक होगी ब्लैक टाइगर, क्या करना पड़ेगा सलमान को ब्लैक टाइगर के लिए। सलमान की आने वाली फिल्म टाइगर 3 की काफी जोरदार चर्चा चल रही है। हैशटैग टाइगर इज बैक इज ऑलरेडी ट्रेंडिंग, पर शायद अब उनके फैंस को इसमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा हैशटैग हमारा ब्लैक टाइगर। ऐसा इसलिए क्योंकि सलमान जल्द ही एक नई फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं, जिसका नाम है ब्लैक टाइगर। ये सुनने के बाद ये लग रहा है कि सलमान का टाइगर के साथ काफी पुराना रिश्ता है। अब देखिए ना, उनकी फिल्म जैसे एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है और अब टाइगर 3 में सिर्फ टाइगर का ही नाम है और अब ब्लैक टाइगर भी इसमें शामिल हो चुका है। वैसे काफी खतरनाक होते हैं ये ब्लैक टाइगर, उनकी नजर और रुतबा डर पैदा कर देता है, जैसा इन दिनों बॉलीवुड इंडस्ट्री में दबंग खान का है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक टाइगर के पीछे क्या है कहानी, तो हम आपको बताते हैं ब्लैक टाइगर की कहानी। एक ऐसे शख्स की है जिसने अपने देश के लिए खुफिया मिशन किए, धर्म बदला, दुश्मनों से पंगा लिया, जुर्म सहे और मरते दम तक भारत से वफादारी निभाई। उस शख्स का नाम है रविंद्र कौशिक, जो पेशे से एक जासूस थे। उनकी जिंदगी का सफर शुरू हुआ थिएटर से और खत्म हुआ पाकिस्तान। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये एक स्पाई की कहानी है। रविंद्र ने लंबे समय तक पाकिस्तान में रहकर रॉ एजेंसी का काम किया, पर एक दिन पाकिस्तान को इनकी भनक लग गई और उन्होंने रविंद्र के साथ बुरा बर्ताव किया और उनका मुंह खुलवाने की कोशिश की, पर वो नहीं माने और बाद में उनकी मौत हो गई। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक टाइगर एक टाइटल क्यों रखा गया, क्योंकि रविंद्र जिस तरह से अपने देश की सेवा करते हुए पाकिस्तान वालों को चकमा दे कर रह रहे थे, वो भी इतने सालों तक, वो देख कर रॉ एजेंसी ने उन्हें ब्लैक टाइगर कहना शुरू कर दिया। अब ऐसे रियल हीरो को पर्दे पर पेश करने की जिम्मेदारी ली है सलमान खान ने। वैसे ही उनके करियर की पहली बायोपिक होगी। डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता से बातचीत करने के बाद सलमान काफी खुश हुए, क्योंकि 35 इयर्स के करियर में उन्होंने ऐसी फिल्म नहीं की, पर ये बायोपिक करके वो साबित करना चाहते हैं कि वो अपने रोजाना अंदाज से कुछ हटके कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने तुरंत फिल्म को हाँ कह दिया और ताकि ये मौका किसी और को ना मिले। वैसे उनके लिए काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि असली स्पाई का किरदार निभाते वक्त उनकी पर्सनालिटी, उनका तजुर्बा, उनकी सोच, सब पर इन डिटेल रिसर्च करना जरूरी है। उसे कॉपी ना करते हुए सलमान को अपने अंदाज में उन्हें पेश करना। उनका लुक काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि रविंद्र को किसी ने भी नहीं देखा। आपने तो देखा ही होगा 80s और 90s में हिप्पी स्टाइल काफी पॉपुलर था, जिसमें अमिताभ बच्चन से लेकर काफी कलाकार फॉलो करते थे। वही हेयर स्टाइल और दाढ़ी सलमान को भी रखनी पड़े। उनके साथ साथ रविंद्र को काफी अच्छी पंजाबी भी आती थी। अब अच्छी तो नहीं, पर बेसिक पंजाबी तो सलमान को सीखनी पड़ेगी। ऐसे में साथ साथ उन्हें अपने फिटनेस पर भी थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि रविंद्र दिखने में काफी लंबे थे और पतले थे। अब ये सब सीखने के लिए और दुनिया में इनविजिबल हीरो की छवि को पेश करने के लिए सलमान को काफी ज्यादा वक्त देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ये ब्लैक टाइगर कब सामने आता है। नहीं, हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि रविंद्र की जिंदगी को दुनिया के सामने लाने के लिए। क्या इस बायोपिक से कई राज खुल सकते हैं, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड नाउ दिस इज योर होस्ट पलक साइनिंग ऑफ एंड विल बी बैक सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।